हाय दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, क्वेश्चन है हमारे पास है, वो है डिफरेंस बिटवीन SRAM एंड DRAM। SRAM में और DRAM में डिफरेंस बताएं। तो सबसे पहले देखते हैं SRAM, इट इज फास्टर देन DRAM, ये तेज तरीन है किसकी नस्बत है DRAM से। इट इज स्लोअर देन SRAM, और ये स्लो है किसकी नस्बत SRAM। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, ये ज़्यादा महंगा होता है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, ये कम महंगा होता है, ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, ये अफोर्डेबल होता है DRAM। SRAM में देखते हैं, इट डज नॉट टू बी पावर रिफ्रेश्ड, इसमें पावर रिफ्रेश नहीं होती, इसकी ज़रूरत ही नहीं होती, डज नॉट टू बी पावर रिफ्रेश, इसमें पावर रिफ्रेश नहीं होती, बंद होकर दोबारा नहीं चलता, रिफ्रेश नहीं होता। इट कैन बी रिफ्रेश आफ्टर ईच रीड ऑपरेशन, उसमें हर एक ऑपरेशन के दौरान उसको रिफ्रेश होने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी SRAM, लेकिन इसमें DRAM में जो है, इसमें हर एक जब एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसके बाद उसको रिफ्रेश होने की नीड होगी, ज़रूरत होगी। इट यूटिलाइज लेस पावर, ये यूटिलाइज करता है लेस पावर को। इट यूटिलाइज मोर पावर, ये ज़्यादा पावर को यूटिलाइज करता है। ट्रांजिस्टर आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन SRAM, ट्रांजिस्टर को यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करने के लिए SRAM। कैपेसिटर आर यूज टू स्टोर डाटा इन DRAM, DRAM में कैपेसिटर को यूज़ किया जाता है डाटा वगैरह को अपने अंदर स्टोर करने के लिए। SRAM आर लो डेंसिटी डिवाइसेज, जो SRAM है ये लो डेंसिटी डिवाइसेज है, DRAM हाई डेंसिटी डिवाइसेज है, ये जो DRAM है ये हाई डेंसिटी डिवाइसेज है। देयर आर यूज्ड इन कैशे मेमोरीज, जो SRAM है ये कैशे मेमोरी में यूज होती है। देयर आर यूज्ड इन मेन मेमोरी, जो DRAM है ये मेन मेमोरी में यूज होती है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप यू लाइक।